नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना का कहर भारत के बाद पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं सिंध प्रांत की सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना वायरस का घातक डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान पहुंच गया है और बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हालत ये है कि पाकिस्तान के मुंबई कहे जाने वाले कराची शहर में प्राइवेट अस्पताल भर गए हैं और मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कहा कि कराची शहर में कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बचाव के लिए उपाय नहीं किए तो हालत बहुत गंभीर हो सकती है। सिंध की राजधानी कराची में कोरोना के पॉजिटिव होने की दर 25.7% पहुंच गई, जो पाकिस्तान के कुल 5.25% से 5 गुना है। पाकिस्तान मेडिकल संघ महासचिव डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि प्राइवेट ही नहीं सरकारी अस्पतालों की भी हालत बहुत खराब है, वहाँ भी कभी भी मरीजों की भर्ती बंद की जा सकती है। प्रशासन ने ये भी चेताया कि ईद के मौके पर लोगों का गैर जिम्मेदारान व्यवहार इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाएगा। ईद मनाने कराची आए बड़ी संख्या में लोग अपने गांव व दूसरे शहर लौट रहे हैं, इससे पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी डेल्टा वेरिएंट के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कराची में इस समय कोरोना के कुल मरीजों में से 92.2% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। यहाँ के सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल में 90 में से 77 बेड भर चुके हैं। ईद अल अजहा और पाक अधिकृत कश्मीर में होने वाले चुनाव कोरोना के मामले में सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में सिंध प्रांत में 1648 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 1366 अकेले कराची में हैं। इस प्रांत में कोरोना की वजह से अब तक 5756 लोगों की मौत हो चुकी है। कराची के सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल में 90 में से 77 बेड भर गए हैं और अब वे और ज्यादा बेड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब भारत के बाद पाकिस्तान में जमकर कहर बरपा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो चुकी है और डेथ रेट बढ़ रहा है। ऊपर से ईद के चलते इसके बढ़ने की और आशंका जताई जा रही है। इसे सुपर स्प्रेडर के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।